हेलो एवरीवन, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है लेट गो कैसे करें। तो मैं अक्सर बताती हूँ कि डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर कोई डिज़ायर होती है, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उसको पाने का डेस्परेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अब डेस्परेशन क्यों नहीं होगा, अगर आपको रियली फायर है आपके डिज़ायर में, आपको रियली कुछ चाहिए, तो डेस्परेशन अक्सर आ जाता है ना। तो कैसे रिलीज करें इसको, लेट गो के बारे में बहुत लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। तो लेट गो करने के कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। लेट गो क्या है? लेट गो मीन्स फोकसिंग कि हाई कब मिलेगा, दिन गिनती करना, एंजाइटी होना, फिर वो सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती, तो वाइब्रेशन लो हो जाता है ना। तो उसके लिए लेट गो करना है, रिलीज करना है अपने आप को। तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे या भगवान पे, जिस पर भी आप ये चीज़ छोड़ रहे हो उन पे ट्रस्ट करो कि आप वो हैं, वो सब कुछ देख लेंगे, आपने उन पर छोड़ दिया है, अब आपका काम ख़त्म हो गया, उनका काम शुरू हो गया। उनसे कम्युनिकेट करें। अब इसको एक छोटी सी उदाहरण से समझें। आपने किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया, मान लीजिए आपने कपड़े सिलने दिए, ठीक है, आपने कपड़े सिलने दिए हैं और आपने शुरू में एक अच्छा टेलर ढूंढ लिया है, अच्छा डिज़ाइन ढूंढ लिया है और अच्छे से उसको कम्युनिकेट कर दिया है। कम्युनिकेशन पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं किया और फिर होप कर रहे हैं कि जो आपकी चीज़ बनकर आएगी वो अच्छी बनकर आएगी, वो फिर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से अपने डिज़ायर क्लियरली नहीं बताई है, डिज़ायर क्लियरली बता दी, ठीक है, अब टेलर से आपने पूछ लिया कब तक बन जाएगा, उन्होंने बोला कि एक हफ्ते में या चार दिन में, जितना भी समय। अब बार 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 उसे फ़ोन थोड़ी करेंगे कि बना क्या, वो आपकी बात सुनेगा या मशीन चलाएगा। तो उस टेलर जो कपड़ा बना रहा है, सिमिलर यूनिवर्स और प्रभु के ऊपर भी डिपेंड के केस में भी ये सेम बात लागू होती है। आपने अपनी डिज़ायर अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर दी, अपना नाप दे दिया अच्छे से, भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए, और उसके बाद अच्छा टेलर आपने चूज़ कर लिया, जो है प्रभु, जो है यूनिवर्स। और तीसरा, अब उस पर ट्रस्ट कीजिए। अब उस टेलर में और यूनिवर्स में एक चीज़ का फ़र्क है। उस टेलर को अगर आप फ़ोन करोगे, सूट के बारे में नहीं पूछोगे, ड्रेस के बारे में नहीं पूछोगे, कोई और बातें करोगे, तो वो डाइवर्ट हो जाता है ना, डाइवर्ट हो जाता है, उसका माइंड वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यूनिवर्स के साथ एक चीज़ है, उनसे आप और बातें कीजिए, लाइक मेक यूनिवर्स योर बेस्ट फ्रेंड। लाइक आपने उनको प्रोजेक्ट दे दिया अपने डिज़ायर का, उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन अब आप बातें उनसे और करोगे। जैसे ग्रैटिट्यूड कहती हूँ मैं, ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड भी यूनिवर्स में बातों को छोड़ना है। तो यूनिवर्स से बातें करेंगे और चीज़ों के बारे में, कि जैसे और कैसे हो, जैसे आप एक फ्रेंड को फन वाला फ़ोन करेंगे कि कैसे हो, खूब मस्ती चल रही है, एक आज का दिन एक और दे दिया आपने मेरी लाइफ में, बहुत मज़ा आ रहा है, जो दे रहे हो एकदम मस्त मज़ा आ रहा है, और हाँ मैंने आपको एक काम दिया हुआ, याद है ना आपको, आई एम श्योर आपको याद होगा, आप तो अपने काम में एकदम महारत हैं, आप मेरे जैसे करोड़ों खरबों लोगों का ध्यान रखते हो, मेरे जैसे करोड़ों खरबों लोगों की टीम में हो आप, क्योंकि वो आपकी टीम में है, यू वर्किंग इन अ टीम। तो इस तरह से बात करो ना, प्यार से, और जब आप दिन रात उनसे इस तरह से बात करते हो ना, तो उनके और आपके बीच का जो कनेक्शन है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो आपके डिज़ायर के लिए कोई एक्शन भी लेना है ना, तो वो भी आपको इंट्यूशन में आ जाता है। जस्ट टेक इट ईजी। हम लोग सोचते हैं अगर हम सीरियस होके कोई प्रैक्टिस करेंगे, कोई टेक्निक करेंगे, तो ही हमारी मैनिफेस्टेशन होके आती है। ऐसा नहीं है, मोर ईजी यू गो फास्ट यू मैनिफेस्ट, इसीलिए मैं कहती हूँ इजी एंड एफर्टलेस, ठीक है। तो उसके साथ प्यारा वाला उसको मक्खन लगाओ, उसके साथ प्यारा वाला रिलेशनशिप डेवलप करो, कोसो नहीं। और हाँ, ये जो आप करते हो ना, मतलब ग्रेटिफिकेशन, मतलब मैं तब मानूंगा अगर मुझे फेदर दिखाओगे, मैं तब मानूंगा अगर आप ऐसा कर दोगे, मैं तब मानूंगा अगर आज बारिश आ जाएगी। हाँ मांग लो, इंजॉय करना है, ठीक है, चलो फेदर ही दिखा दो ना, मन कर रहा है ना, थोड़ी वाइब्रेशन ही अप हो जाएगी, कर दो ना, दोस्ती के लिए इतना तो करोगे, ऐसे बात करो ना, मैं तभी मानूंगा। अच्छा वो वेले हैं, मतलब उनको नहीं चाहिए भाई, ये टेंट्रम वाला बंदा नहीं चाहिए। एक एक मिनट में डिज़ायर बदलता है, एक एक मिनट में ट्रस्ट इधर से उधर हो जाता है, मैं तो तब मानूंगा अगर आप ऐसा करोगे। एक एक मिनट में ट्रस्ट हिलता है, एक एक मिनट में डिज़ायर बदलती है, ये सब नहीं चाहिए उनको।
तो उनके साथ इस तरह से अपना कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए। दूसरी चीज, फाइंड अ हॉबी। हॉबी क्या है? जो चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है, जो आप इमीडिएटली करना शुरू कर सकते हो, पेंटिंग है, डिजाइनिंग है, बाइक चलाना है, वॉक करना है, रनिंग है, स्विमिंग है, ड्राइविंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, डांसिंग है, डांसिंग इज रियली गुड गुड रियली रियली गुड, वो करना शुरू कीजिए। जब भी आपको अपने डिजायर के बारे में आ जाए ना, एक एक्शन चूज कर लो कि मैं यही करूंगी, और उस टाइम किसी और दुनिया में चले जाओ। जब आप एनर्जी का फ्लो होने देते हैं ना, देखो जब डेस्परेशन आती है ना, तो डेस्परेशन भी कहीं ना कहीं अंदर से एनर्जी हीट, लाइक रियली पुशिंग एनर्जी है कि डेस्परेशन, ओ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? उसको कहीं और यूज कर लो। वो जो हॉबी आपने ढूंढी है उसमें अपने आप को बिजी कर लो। ये कोई भी आप सक्सेस स्टोरीज की बुक उठा लो, उसमें से भी आपको यही मिलेगा। और मैं अपनी लाइफ की स्टोरी से भी यही बताऊंगी कि जब जब अपना माइंड कहीं और लगा लेते हो ना, तो तब तब डिजायर्स अपने आप मैनिफेस्ट होके आ जाती है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब डिजायर मैनिफेस्ट होती है, आपको याद भी नहीं रहता कि अरे ये तो मेरी डिजायर थी जो आ गई है इस तरह से, ठीक है। तीसरी चीज, ये सब नहीं कर सकते ना, तो एज इफ कर लो। एज इफ क्या है? एज इफ आप इसी तरह से जीने लग जाते हो जैसे वो एक्चुअली है, तो रियलिटी ही ये मान लो, तो लेट गो करने की उसमें जरूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि लेट गो करने की तब पड़ती है ना जब हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में है नहीं। जब आपने ऑलरेडी मान ही चुके हो कि आपकी लाइफ में है, तो जैसे मान लीजिए पार्टनर की ही बात है, आपको पार्टनर चाहिए, तो पार्टनर कहाँ कहाँ होगा? वॉक कर रहे हो, साथ में वॉक कर रहे हो, जस्ट टॉक इन योर हेड कि उन्हीं से बात कर रहे हो, ऐसे उन्हीं का हाथ पकड़ा हुआ है। और अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, तो जो आप अभी चला रहे हो, जस्ट फील, आंखें बंद कर, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो लेकिन आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हो, जस्ट फील दैट उसी का स्टीयरिंग है आपके हाथ में, वही चला रहा है। वहाँ पार्किंग आ गई, अपने ऑफिस पहुँच गए, पार्किंग आ गई, पार्किंग में गाड़ी लगा दी, ये सब चीज़ें फील करनी शुरू कर दो, तो दैट इज़ एज इफ। तो जब एज इफ करते हो ना, तब आपको लेट गो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी रियलिटी स्विच कर चुके हो। करंट रियलिटी जो आपकी अभी की है, उससे आप न्यू रियलिटी में चले जा चुके हो। सो दैट इज अनदर वे टू लेट गो। चौथा, अपने डिजायर से बात करने लग जाओ। वो ये, जब जब आपको परेशानी हो, जब जब आपको ऐसा हो कि वो आपकी लाइफ में है नहीं, तो ऐसे सोचो जैसे एक फ्रेंड है जिसको आपने इनविटेशन दे दिया है किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको मिलने आने की, और जैसे वो आपको कॉल कर रहा है कि डिजायर जब आपको डेस्परेशन देती है, यही होता है ना कि भाई मुझे जल्दी आना है, लेकिन जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, यही होता है ना हमें, तो उस डिजायर के साथ कनेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर है, कार है, तो उससे बात करो, कनेक्ट करो। जैसे आई नो यू लव मी, आई नो यू आर कमिंग टू मी, आई नो इसका एक सेट टाइम है जो टाइम ले रहा है, इट्स ओके, हम फिर भी साथ हैं, इतनी दूर हो फिर भी हम साथ हैं, और हर दिन चीजें हो रही हैं आपको और मुझे मिलाने के लिए, मतलब ये कि उस मैनिफेस्टेशन को आप तक पहुंचाने के लिए हर दिन हो रही हैं, रियलिटी वही हो रही है जो हम चाहते हैं, इट्स वर्किंग आउट फॉर अस। तो उससे बात, जब उसके साथ आपका इतना प्यारा कनेक्शन हो जाएगा, वो अच्छे से जो आपकी जो अंदर की वो फीलिंग है डेस्परेशन की, वो समझ जाएगी कि हाँ ये चीजें इन प्रोसेस हैं, तो आपको अपने आप को मनाना ही नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती करनी ही नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये चार चीजें हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कौन सी चीज है जिसमें आपको लगता है कि आपको लेट गो करने की जरूरत है, लेकिन आप इन चारों स्टेप्स को यूज करोगे। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू रीड। आई सी यू इन अदर वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। लव यू ऑल एंड बाय।